हाय फ्रेंड, कुकसम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम तरबूज के छिलके की सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से इसे छील लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसकी सब्जी। ऐसे ही और छील लेंगे। तो हमने छील लिया है, अब छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेंगे। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम लौकी के जैसी, कद्दू के जैसी। ये देखिए, ऐसे ही हम इसके सारे पीसेस काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये तरबूज हमने काट लिया है, अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। इसके लिए डालें हम घी, देसी घी में बनाएंगे। इसमें डालेंगे जीरा, जीरा चटकने देंगे, दो सूखी लाल मिर्च, कटा हुआ लहसुन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। तरबूज के छिलके की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और साथ ही इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। खट्टी मीठी बनेगी, एक बार खाएं बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। एक बार ट्राई अवश्य करिएगा। जो लहसुन भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, इसको भून लेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए तरबूज के छिलके, इनको भी डाल लेंगे। और चला देंगे धनिया पाउडर, नमक, इसको चला देंगे। बचा हुआ भी तरबूज छिलके डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे। तो देखिए फ्रेंड, एक बार फिर चला देते हैं सब्जी को। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें डालेंगे कटा हुआ आम, ताकि हमारी सब्जी खट्टी मीठी हो जाए, क्योंकि मीठी तो थोड़ी बहुत वैसे भी होगी, क्योंकि ये तरबूज के छिलके हैं। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी चला देते हैं और इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला, ताकि सब्जी हमारी और भी स्वादिष्ट हो जाए। और इसको भून लेंगे। ये बन चुकी है। ये डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आ जाए, देखने में बेहतरीन लगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी बन चुकी है, मिला देंगे।
देखिए है ना एकदम कद्दू के सब्जी की जैसी, बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। बनाइए खाइए फ्रेंड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो फ्रेंड सब्जी हमारी तैयार है, इसमें हरा धनिया और डाल देते हैं। तो फ्रेंड तरबूज के छिलकों की सब्जी तैयार है, बनाइए खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।